ये खांडकेश्वर देवता का मेला है। और सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्ते, छोटों को मेरा ढेर सारा प्यार। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। मैं वन्नी कैंतुरा स्वागत करती हूँ आपका अपने नए ब्लॉग में और देवभूमि उत्तराखंड के उत्तरकाशी से। तो मेरा आज का ब्लॉग स्टार्ट हो रहा है सुबह के 8 बजे से और कमरे से मेरी ब्लॉगिंग की शुरुआत हो रही है। तो आज मेरे मायके में मेला है, तो जो ये मेला है तो ये खांडकेश्वर देवता का मेला है गाँव में। तो मैं आपको गाँव का मेला दिखाती हूँ और अभी सुबह सुबह का नजारा दिखा देती हूँ। तो दोस्तों मैं आपको छत के ऊपर से दिखाती हूँ नजारा। और बरसात का मौसम तो शुरू हो गया, हल्की हल्की बारिश लग रही है, रात भर बारिश लगी हुई थी काफी तेज। तो दोस्तों मैं आपको छत के ऊपर से दिखाती हूँ, काफी सुंदर नजारा दिख रहा है चारों तरफ। Thank you.
लोगों ने मेरा मायका का मेला भी देख लिया होगा, और उसकी खासियत ये है कि जो मतलब फूल मंदिर में जाके फेंके थे ना, मतलब सबको दिए थे, तो फेंक करके दिए थे, तो उसके लिए डांडा जाते हैं दो जने, उसके लिए भगवान जी ही चुनते हैं कि ये दो जने जाएंगे। वो फूल हर किसी को नहीं मिलते हैं, पूरा एक दिन और पूरी एक रात लगता है उन फूल मतलब वहां जाने के लिए जहाँ फूल रहते हैं, और उन्हीं दो जनों को मिलता है वो फूल। और उसके बाद देवता जाता है उनको आधे रास्ते में लेने के लिए, उनकी रखवाली करने के लिए, फिर उनको लाता है, और तब जाके वो फूल मतलब जब मेला खत्म हो जाता है तो वो फूल सबको दिए जाते हैं। और तो जहाँ से ये फूल फेंके जा रहे हैं ना, मतलब जिस मंदिर से, तो वो मंदिर नया बन रहा है, तो वो देवता अपने मंदिर में जाके और वहां से फूल फेंक रहा है सभी लोगों के लिए, और आप लोगों ने देख लिया होगा। तो दोस्तों जो ये मेला है, तो ये फांडकेश्वर देवता का मेला है। तो ठीक है दोस्तों, मैं आज की वीडियो को यहाँ पे एंड करती हूँ। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आएगी। तो वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। ब्लैक एंड दबाना ना भूलिए, क्योंकि नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच जाएगी। और मैं वन्नी कैंतुरा मिलती हूँ आपको अपनी अगली नई वीडियो में। तब तक ले जय भूमि, जय उत्तराखंड।